तो सबसे पहली बात तो निश्चित रूप से आप ये जानते रहिए कि ये एक ऐसा विषय है, आप देखेंगे कि इस विषय के बारे में सभी परिचित हैं, जो इंटरमीडिएट पास आउट भी हैं या अंडर ग्रेजुएट भी हैं, वो अगर कोई विषय नहीं जानते हैं तो इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रखते हैं, है ना। नहीं हुआ तो कम से कम अकबर का नाम सुने हुए हैं, बाबर का नाम सुने हुए हैं, वेदों का नाम सुने हुए हैं, है ना, गांधी जी का नाम सुने हुए हैं, कुछ जानते भी हैं, तो जो भी उनकी नॉलेज है वो कहीं ना कहीं इस विषय में क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी, राइट। दूसरी चीज अगर हम बात करें, सरल है, सुबोध है, किसी भी तकनीकी ज्ञान की आपसे अपेक्षा नहीं है इतिहास को पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है या जानना है या बायो का क्लासिफिकेशन आपको पता है होना है। सिंपल सी बात है, अगर आप सुनेंगे दो चार घंटे भी पढ़ लेंगे तो नॉवेलिस्टिक व्यू नजर आता है ना। तो ये नहीं होता है कि सर इसमें आप क्या करें, तो इजिली आप इसे आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप जानते रहिए यूपीएससी में उन्हीं विषयों में, खास करके यूपीएससी की बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि यूपीएससी के सवाल एज सच रिपीट नहीं होते। जिन विषयों में समझ आपकी बढ़िया होगी, बेहतर समझ होगी, वो समझ आप पे कह सकते हैं, उन विषयों में आप बेहतर कर सकते हैं। तो चूँकि सुबोध सरल है, सुबोध है, आसानी से समझा जा सकता है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें समझ डेवलप की जा सकती है। और अगर आपने समझ डेवलप कर ली तो निश्चित रूप से यूपीएससी को आप बेहतर ढंग से क्रैक कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास विषय एक सुरक्षित विषय है। अन्य तीसरी बात, और यही वजह है, अगर आप देखेंगे कि चाहे वो साइंस हो किसी भी विषय का, बैकग्राउंड हो ग्रेजुएशन में टेक्निकल हो, मालूम हो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लड़का है, साइंस बैकग्राउंड का लड़का है, कॉमर्स का है, साहित्य का है, हर स्ट्रीम के लोगों को अगर आप देखेंगे तो इतिहास में इतिहास लेते हैं एक विषय के रूप में और सक्सेस भी होते हैं। आप देखिए तो अगर सबसे ज़्यादा अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट रहते हैं तो आपको हिस्ट्री ऑप्शनल से रहते हैं या हिस्ट्री विषय से रहते हैं, तो कुछ तो कुछ कारण रहा हो, वो होगा कि मालूम हुआ कि स्ट्रीम दूसरी है और हिस्ट्री लेकर के वो सक्सेस हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इतिहास के में उसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि उसका सरल होना, सुबोध होना, किसी विशेष तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा ना होना, ये आप इस बात को कह सकते हैं। तीसरी चौथी चीज अगर आप देखें, अदर सब्जेक्ट की बात करें, अगर अदर सब्जेक्ट्स की तुलना में परिवर्तनीयता नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेज होते हैं, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होता है, कोई नई रिसर्च आ गई, कोई बात आ गया, कोई शोध आ गया, उस पर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, नो डाउट। लेकिन अब जरा सोचिए साइंस एंड टेक की तुलना में, इकोनॉमिक्स की तुलना में, आप देखेंगे कि वहां चेंजेस ज्यादा होता है। मालूम हुआ अभी आप पढ़ रहे हैं तब तक कोई नया चेंज हो गया, तो उसको अगर आप इंक्लूड नहीं किए तो आपका आंसर बेकार हो गया। इतिहास के साथ कम से कम ऐसा नहीं है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया, चीज़ों को समझ लिया, अच्छा नॉलेज डेवलप कर लिया इस पर, तो इसको बार बार अपडेशन की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्लियर है। इसके अतिरिक्त अगर आप चर्चा करें तो यूपीएससी में फर्स्ट पेपर में
लगभग 110 नंबर के आसपास आपको यूपीएससी के फर्स्ट पेपर में मिलेगा। अगर आप सोसाइटी के नेचर को जोड़ लीजिए, क्योंकि समाज का नेचर और इतिहास के विषय का नेचर लगभग सेम जैसा है, अगर आप उसे जोड़ लेंगे तो ये मार्क्स और भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? वही हाल यूपीएससी का है, 100 से 105, 110 तक सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो एक अच्छा कवरेज है जीएस के फर्स्ट पेपर में भी। आप निबंध की अगर आप बात करें, ऐसे की बात करें, तो जो डायरेक्टली संस्कृति कल्चर से रिलेटेड रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कई बार आपके जैसे जो एकदम कन्वेंशनल टॉपिक है, जो समकालीन टॉपिक है, जैसे महिलाओं, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है ना, तो निश्चित रूप से उसका एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। वो नॉलेज आपको क्या करेगा, वो नॉलेज निश्चित रूप से इतिहास का थोड़ा सा एनरिच करेगा। तो निबंध के सेक्शन में भी आप थोड़ा बहुत हेल्प पा सकते हैं। तो निश्चित रूप से हिस्ट्री विषय को अगर आप लेंगे ऑप्शनल, एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे, तो इन जगहों पे भी थोड़ी सी प्रिविलेज आपको प्राप्त होगी। श्योर। एक बात और भी ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप जीएस के सिलेबस को उठा करके देखें, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर का हो, चाहे वो मॉडर्न का हो, चाहे वर्ल्ड का हो, हम ये नहीं कहते कि टोटल जो ऑप्शनल का सिलेबस है वहां है, लेकिन जीएस के हर एक टॉपिक आपको ऑप्शनल में पढ़ना है। और जाहिर सी बात है, अगर आपने ऑप्शनल को टिक कर लिया, ऐसा किसी भी विषय के साथ नहीं है, आप ये जानते रहिएगा, तो आप हिस्ट्री ऑप्शनल को अगर आप देखेंगे तो जीएस का हर टॉपिक चूंकि उसमें आ रहा है, तो अगर एज ए ऑप्शनल आपने उसको पढ़ लिया तो निश्चित रूप से जीएस के उस पोर्शन पे आपकी जो पकड़ है थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है। क्लियर है? तो ये सारे इतिहास क्यों लें, इन बिंदुओं को जब भी आप ऑप्शनल को डिसाइड करिएगा तो इन बिंदुओं पर जरूर विचार करिएगा। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि ऑप्शनल आपका अपना है, आपको डिसाइड करना है, किसी के कहने से एस सच कि हाँ सत्यम सर ने कह दिया तो लाइए एस सच हम ले लें, ये कोई जरूरी नहीं है। हिस्ट्री ऑप्शनल लेने के पीछे जो तर्क आधार होते हैं, उन तर्क आधारों की बात हम यहां पे बता रहे हैं। क्लियर है? तो ये प्रिविलेजेज हैं एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के। दूसरी बात, कई बार आप लोगों को लगता है कि सर जो सबसे बड़ी समस्या की बात आप लोग कहते हो कि सर ऑप्शनल विषय में समस्याएं हैं हिस्ट्री विषय के साथ, कि सर बहुत सारे फैक्ट इसमें जो है, क्या कहते हैं कि फैक्ट ओरिएंटेड ये ऑप्शनल है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। आप फैक्ट कहां पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में। पहली बात तो आजकल का जो क्वेश्चन का जो नेचर है, उस नेचर को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली फैक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं, और ऑप्शनल में या जीएस मेंस में भी ऐसी स्थिति है कि जो जितना फैक्ट आप जानते हैं उस फैक्ट का 30% हिस्सा, 30% जितना फैक्ट अगर आप पीटी के लिए जानते हैं, पीटी के फैक्ट का 30% लेवल अगर आप उठा करके देख लीजिए, उतना फैक्ट परफेक्ट होता है मेंस के आंसर को लिखने के लिए। इस बात को स्पेशली मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे यूपीएससी बैच के जीएस के स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट्स से जरूर बताएंगे कि सर ऐसा कह रहे हैं, वो सही है गलत है। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि, और पीटी में तो सबको पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर है? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये दिमाग में उठा दे लीजिए, हटा लीजिए कि नंबर मिलता है या नहीं मिलता है, अरे इसमें क्या कहते हैं फैक्ट ओरिएंटेड है या नहीं है। तो निश्चित रूप से आप जानिएगा कि ये फैक्ट ओरिएंटेड का जो मिथ है वो भी गलत है। इतिहास में कम तथ्यों के साथ, वास्तव में होता क्या है कि वो तथ्य ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि इतिहास में प्रभाव डालते हैं या उसमें कोई चेंजेस या परिवर्तन, जो चेंज को तत्कालीन समय को प्रभावित किए रहते हैं, और वो तथ्य इतने फेमस होते हैं कि आपको पता ही पता होते हैं। क्लियर है? तो तथ्य संबंधी कोई प्रेशर आपको यहां नहीं रखना है। क्लियर? राइट? एक और बात जो दिमाग में आपके रहती है कि सर मार्क्स में बड़ा एवरेज मार्क्स हमको मिल गया, 50% ही मिल गया, 49% ही मिल गया,
इस पे हम लोग सेकंड पार्ट पे चर्चा करते हैं कि वास्तव में ऐसा क्यों हुआ कि इतिहास में कुछ लोगों को 50% ही मिला। तो कुछ ऐसे भी हैं, हम आपको बताएं, हमारी एक स्टूडेंट रही है, टॉपर रही है 2008 की, उसको यूपी पीसीएस में मात्र 89 नंबर मिला 100 नंबर में। ये मैक्सिमम की बात बता रहे हैं। और 60-70 पिछले 12-14 सालों से पढ़ाने का अनुभव है और मैंने देखा कि बहुत सारे रेगुलर लड़के, नाम लिखे जा सकते हैं, अब यहां सबका नाम नहीं, सबकी पर्सनल आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूपी पीसीएस में 65-70% नंबर इजिली प्राप्त किए और यूपीएससी में भी 60% नंबर तक प्राप्त किए। तो जाहिर सी बात है, कुछ तो बात होगी। हाँ, ये जरूर है कि कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलता, क्लियर है। तो स्कोरिंग के लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा स्कोर किया जा सकता है, बशर्ते आपके पास इतिहास की समझ अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, तो आप बेहतर पा सकते हैं। तो इन आधारों के साथ आइए, अगर आपने ये निर्णय कर लिया कि हाँ हमको हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेना है, एज ए ऑप्शनल लेना है, और निश्चिंत रखिए, आप जब आज से क्लासेज भी हमारी शुरू होंगी, तो जब आपको 3-4 क्लासेस दी जाएंगी, उन 3-4 क्लासेस को आप देखिए और खुद बताइएगा कि हाँ इससे आपकी समझ डेवलप हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो ऐसी तो तब आप ये डिसाइड करिएगा, और मुझे विश्वास है, पक्का विश्वास है कि आपके पास जो है, क्या कहते हैं, फिर ऑप्शनल के लिए आप सोचना बंद कर देंगे और आराम से इस विषय को टैकल कर लेंगे, अदर ऑप्शनल के बारे में आपको फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। श्योर? तो आइए देखते हैं कि कैसे, क्या क्लास होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो कैसे हमको पढ़ना होगा और कैसे अच्छे से अच्छे नंबर पाए जा सकते हैं। तो आइए हम लोग इसकी चर्चा करें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप इतिहास में समझ डेवलप करें। अगर आप सिलेबस को देखते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें पढ़नी है। सिलेबस को आपने देखा ही नहीं, यूपीएससी ने या यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने टॉपिक को डिसाइड कर रखा है किस दिशा में आपको पढ़ना है, कहां कहां से सवाल, कुछ क्वेश्चन के नेचर्स को उठा के देखिए या टॉपिक्स को देखिए, तब पता चलेगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वास्तव में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, तो इतिहास आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पहलुओं का अध्ययन है। कोई भी जो सवाल रहेगा, आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल, ज्यादा पढ़ते हैं, और जो सवाल पूछा जाता है वो कहां से, इकोनॉमिक, कल्चर और सोशल से। तो ये स्ट्रेटजिकल फॉल्ट होगा कि नहीं होगा? हमें पॉलिटिकल पढ़ना है, लेकिन पॉलिटिकल का निश्चित सेगमेंट ही पूछा जाएगा आपसे, ये नहीं है कि सारी चीजें पूछ ली जाएंगी। दूसरी चीज, अगर आप देखें, एक टाइम से लेकर के एक फेज से दूसरे फेज तक जाने में हमें निरंतरता और परिवर्तन को देखना होगा, एवं परिवर्तन को देखना होगा, चेंज एंड कंटिन्यूटी को देखना होगा। चेंजेज एंड कॉन्टिन्यूटी, जैसे आप मालूम हुआ कि वैदिक युग से महाजनपद युग में आ गए, या किसी भी एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में आ गए, तो क्या क्या चीजें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में क्या क्या चीजें बनी हुई हैं और क्या क्या चीजें परिवर्तित हो रही हैं, आप प्राय सवालों को उठा करके देखेंगे, उसी निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों के आधार पर ही आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। कभी कभी तो सीधे सवाल पूछ लेगा कि वैदिक युग, ऋग्वेद, पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक युग में समाज में
जो परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों को रेखांकित करिए, सीधे सवाल पूछा जाएगा। और विश्वास करिए कि इन पूरी निरंतरता एवं परिवर्तन के विश्लेषण में, एनालिसिस में, तथ्य बहुत ही कम होते हैं, बशर्ते ये जानने की जरूरत है क्या पे उतना जोर नहीं रहता है जितना कि क्यों पे जोर रहता है। तो परिवर्तन, पहली बात तो क्रमिक होंगे, उन परिवर्तनों को जानिए और उन परिवर्तनों के पीछे जो कारण हैं, जो फैक्टर्स हैं, उन्हें जानिए, तो आप की बेहतर समझ होगी। क्लियर है? और आप आंसर बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे जब हम लोग, जब आप लोग पढ़ते हैं, कई बार आप इस अंतर को देखिएगा कि आपने जो पढ़ा, आप लोग जिस तरह से इतिहास पढ़ते हैं और हम जिस तरह से आपको इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, उसमें कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जैसे आपको तीन टॉपिक की हम चर्चा करें, जैसे प्रागैतिहास यानी स्टोन एज की बात करें, आद्य इतिहास और ताम्रपाषाण काल। ये तीन चैप्टर है। प्रागैतिहास में भी आप देखो तो कह सकते हो पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। अब मालूम हुआ आप लोगों ने क्या किया, पाषाण युग का नाम सुनते ही बुखार आ गया। आप लोगों ने शुरुआत किया आद्य इतिहास यानी सिंधु घाटी सभ्यता। गलत अप्रोच, क्योंकि यूपीएससी सवाल उठा करके इस टॉपिक से कोरिलेट करके पूछ लेगा। अब आपने इसको तो पढ़ा ही नहीं। क्लियर? या किसी ने हिम्मत करके इसको पढ़ना शुरू किया, प्रागैतिहास को, जो भी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं वो क्या कर रही हैं, पुरापाषाण काल में कितने स्थल मिले, उन सारे स्थलों के बारे में लिख डाली, यहां से ये मिला, यहां से वो मिला, यहां से ये मिला, थक गए उसको पढ़ते पढ़ते। फिर मध्य, नव, पाषाण, इन तीनों युग को पढ़ा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को पढ़ा, और बाद में जब देखा तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। अब आप घबराना शुरू कर दिए कि सर ये तो गड़बड़ हो गया सब, अपनी समझ को कोसेंगे, टॉपिक को कोसेंगे, विषय को कोसेंगे, अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन यहां स्ट्रेटजी की कमी है। आइए देखते हैं। वास्तव में जब आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि इन पूरे टॉपिक्स में ये एकदम वेल डिसाइडेड है। इसमें यह कहा गया कि आपको केवल पढ़ना है हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, शिकारी और खाद्य संग्राहक अर्थव्यवस्था, केवल इतना टॉपिक है। आप मेंस हम जब आप चर्चा करेंगे तो क्लास के पहले ही सारे आपके सिलेबस दूंगा, उस सिलेबस को पढ़िएगा। आपने बिना सिलेबस देखे अपनी एनर्जी याद किया कौन कहां से स्थल मिला, और वो सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस में सिर्फ इतना है
कि हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, शिकारी और खाद्य संग्राहक व्यवस्था कहाँ से पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक तक, यानी पूरा पाषाण युग से लेकर के मध्य पाषाण युग तक, और वास्तव में सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे कि पूरा पाषाण काल में हंटिंग एंड फूड गैदरिंग का स्वरूप क्या था और मध्य पाषाण काल तक आते आते उसमें क्या परिवर्तन हो गए। श्योर, कहीं तथ्य की जरूरत पड़ेगी? बहुत कम। तो क्यों पढ़ रहे हो? प्रीलिम्स में आपको जिन तथ्यों और जिन चीजों को जानकारी चाहिए वो हमने वहां दे दिया, और वो भी बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं, केवल रिप्रेजेंटेटिव साइट, मुश्किल से 2-4-10 फैक्ट अगर आप जानते हैं तो उसको कवर अप कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी में है, कहीं ना कहीं आपकी रणनीति में है कि आप सही स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं और फिर अपनी एनर्जी गलत ढंग से जाया करके सक्सेस नहीं होते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। क्लियर? उसी तरह से जो सेकंड टॉपिक पूछा वो ये पूछा, बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर फ्रॉम नियोलिथिक एज टू प्रोटो हिस्टोरिक एज। कृषि की प्रारंभ नवपाषाण से लेकर के सिंधु घाटी तक, ये टॉपिक इस टॉपिक से कोरिलेट हुआ कि नहीं, और केवल एग्रीकल्चर के प्रारंभ को इस सेक्शन से देखना है, बाकी से हमसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर, सबसे आसान तो यही था जिस पे हमने सारी एनर्जी को डिस्कस किया, क्यों नहीं आप कर पाए? इसलिए क्योंकि आपको इतिहास की समझ नहीं है, सिलेबस की समझ नहीं है, बस आपने किताब देखा और टेबल देखा बड़े बड़े और उसको रटना शुरू कर दिए, इससे नहीं होगा। इसलिए हमारा पहला ही मिशन होगा, क्लास का मिशन होगा कि आप इतिहास विषय को समझना सीखें और तथ्य से बाहर जाएं। हिस्ट्री इज नॉट मेयरली कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स, बिना फैक्ट के नहीं चलेगा, लेकिन ये केवल फैक्टोबाजी नहीं है कि आप फैक्ट कलेक्ट करते जाइए करते जाइए करते जाइए और बाद में कंफ्यूज होइए। ऑप्शनल में तो एकदम जरूरत नहीं है, जीएस में भी हमने इस बात को कहा है कि लिमिटेड फैक्ट्स के साथ आपका यूपीएससी निकाला जा सकता है। तो निश्चित रूप से सिलेबस के एक एक बिंदु को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, और जो भी व्यक्ति ये सोचता हो कि हम आद्य इतिहास को पढ़ लेंगे और ना ऊपर पढ़ेंगे और ना नीचे पढ़ेंगे, वो कभी नहीं सफल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों टॉपिक को इंटरकनेक्शन में पढ़ना है। उसी तरह से वैदिक युग से लेकर के आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य तक का एक कनेक्शन है, आप देखेंगे उसमें आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक चीजों में कैसे बदलाव आ रहा है, और यूपीएससी वहीं से सवाल उठा करके पूछ लेता है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के या प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक आर्थिक संरचना में किस प्रकार के परिवर्तन हुए, बताइए किस चैप्टर का है? जब तक कि आपको वो पता नहीं होगा कि प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व क्या मतलब क्या कह रहा है, यानी वैदिक युग से लेकर के आप सीधे 100 AD के आसपास तक की सवालें चीजें आपसे उठा करके पूछ ली गई। इसलिए पूछी गई क्योंकि वो आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक और सामाजिक जो विकास है वो इंटर कनेक्टिव है, जब वो एक दूसरे से जोड़ करके आप देखोगे तब आप बेहतर कर पाओगे। और हम अपने इस क्लास के माध्यम से, जीएस की क्लास में भी हमने बहुत ही बिंदास वहां पे बताया है, बसरते जीएस की जो डायमेंशंस हैं, जीएस की जो अपेक्षाएं हैं वो लिमिटेड हैं, जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री है ही नहीं, एंशिएंट में केवल कल्चर है एंशिएंट से लेकर के मिडिवल तक, और मॉडर्न में भी 18th century के मिड से है, लेकिन 18th century के मिड से लेकर के वर्ल्ड हिस्ट्री तक सारे सेक्शन को हमने खूब डिस्कस किया है, इसी मॉड्यूल से डिस्कस किया है।
तो ऑप्शनल लेवल पे भी हम लोग इस इंटरकनेक्शंस को फाइंड आउट करेंगे, और जितना स्ट्रांग आपका इंटरकनेक्शन होगा ना, वो कंप्लेन आप भूल जाओगे कि साहब हमने रटा बहुत, मेहनत बहुत किया लेकिन एग्जाम में भूल गया, ये ऐसा नहीं हो पाए होगा इसमें, श्योर। तो जब आपकी समझ अच्छी होगी, इंटर रिलेशन अच्छा होगा, तो आप एग्जाम में भी नहीं भूलेंगे। क्लियर हो गई बात? क्लास के अंदर क्या करना है, ये तो हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए कि किस हिसाब से हम अपनी समझ को डेवलप करेंगे। ऐसे ही मॉड्यूल वाइज, चाहे वो एंसिएंट हो, चाहे मेडुअल हो, चाहे मॉडर्न हो, उसकी इंटरलिंकिंग को फाइंड आउट करेंगे। और जब आप इंटरलिंकिंग और क्रमिक विकास को समझ जाते हैं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, श्योर। आइए अब आपको हम क्लास की स्ट्रेटजी बताते हैं कि क्लास में कैसे होगा और आपको क्या पढ़ना होगा, क्या एक्स्ट्रा देखना होगा, क्या नहीं करना होगा, वो सब हम बातें आपको बताते हैं। देखिए, पहले टॉपिक पे, हर एक टॉपिक को समझने का तीन चरण है, L1, L2, Level 2 और Level 3, इनको समझिए। पहले चरण में हम क्या करेंगे कि हर एक टॉपिक का विश्लेषण करेंगे, टॉपिक वाइज चर्चा, याद रखिएगा, सिलेबस आपके साथ होगा, आप भी देखते रहिएगा। ये हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी, सिलेबस की स्ट्रेटजी कुछ और हो, हम कहीं से कुछ जोड़े, लेकिन हर एक सिलेबस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और ये इसलिए भी जरूरी है कि आपको हर टॉपिक पे, आप जब 200 शब्द के सवाल पूछे जा रहे हैं, हर सवाल के 3 या 4 सेक्शन रहेंगे, तो आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको छोड़ना होगा। अच्छा भी है, और आपको लगता है कि ये चैलेंजिंग है, लेकिन मैं इसको अच्छाई के रूप में देखता हूं। कहिए क्यों? इसलिए देखता हूं कि पहले किसी टॉपिक पर लिखने के लिए आपको 550 वर्ड तो न्यूनतम चाहिए था, लड़के 650-650 तक लिखते थे। तो हो सकता है कि आप किसी टॉपिक पे हल्की फुल्की अगर नॉलेज रखते हैं तो 600 वर्ड ना लिख पाए, लेकिन अगर थोड़ी सी भी 3-4 लाइन भी आप जानते हैं, और उतना मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी टॉपिक पे कम से कम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल के संदर्भ में थोड़ा बहुत भी बोल दोगे ना, तो 150 शब्द तो वैसे ही हो जाएगा। तो हर टॉपिक पे 60% नहीं तो 50% 45% की तो गारंटी है यूपीएससी में मिल ही जाएगा, श्योर। तो हर एक टॉपिक को डिसाइड करने का हमारी बात यही है कि टॉपिक वाइज हम एनालिसिस करेंगे, चर्चा विश्लेषण करेंगे, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो स्केच होगा उस टॉपिक के क्या डायमेंशंस होंगे, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। उसी दौरान हम लोग आपको लिखाएंगे, नोट्स बताएंगे, या तो बोर्ड पे लिख देंगे या तो बोल के बताएंगे कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से बिंदु आने चाहिए। वास्तव में ये दोनों हमारा, आप ये कह सकते हैं कि ज्ञान या समझ विकसित करने का तरीका होगा, समझ विकसित करेंगे, और दूसरे में उसका प्रयोग होगा इम्प्लीमेंटेशन, के उस टॉपिक को आपने कैसे समझा। इसके लिए हम लोग करेंगे प्रश्न उत्तर परिचर्चा, क्वेश्चन आंसर पर सेशन। खूब चर्चा किया है हमने, आप देखेंगे जरूर इस बात के, यूपीएससी के जो जीएस बैच के लड़के हैं वो कमेंट्स करके बताएंगे कि हाँ हमने कोई कोताही बरती है कि नहीं बरती है। खूब चर्चा किया है, आपके भी सवालों को हमने डिस्कस किया है। हर क्लास के बाद सैटरडे को क्लास आपको दे देंगे, सैटरडे को आपको एक अवसर देंगे कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक पहले बताया जाएगा और उस पर आप अपनी अपेक्षाएं क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्लियर है। और ऑप्शनल के लेवल पे तो हर टॉपिक से जितने सवाल आ सकते हैं वो मैं पहले ही आपको पीडीएफ पे दे दूंगा, आपकी क्वेरी खत्म हो जाएगी कि आप खोजिए कि सर और भी सवाल खोजें, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी बनती है दैट विल बी एंटरटेन्ड इफ इट इज ऑफ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस लेवल। अगर यूपीएससी और यूपीपीएससी लेवल का है तो उन प्रश्नों को हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, और विश्वास करिए जब आप इसको पढ़ोगे ना और फिर प्रश्न उत्तर परिचर्चा कर लोगे और ईमानदारी से लिख लोगे, तो उसको आपको एक भी सवाल एक्स्ट्रा, एक भी कुछ भी बाहर से जानने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। साथ ही साथ आपका, ये तो क्लास वाइज की चर्चा रही, यही मेन मोटो है क्लास को डिस्कस करने का, लेकिन
जब आप आगे देखोगे, साथ ही आपको पीडीएफ जो नोट्स है वो दे दिया जाएगा, और जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, आपको बताऊं कि केवल जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, हम आपको लिस्ट भी दे दूंगा जो आपने जीएस के लिए हमने सजेस्टेड बुक्स किया है, यहां पे भी लिस्ट दे दूंगा, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, ये तीन जो हैं, और वर्ल्ड पे जो एनसीईआरटीज हैं, उन किताबों से बाहर नहीं जाना है। बस एक यहां थोड़ी सी स्ट्रेटजी की चर्चा करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप इस बात को समझ भी सकते हैं, हम आपको कुछ ऐसे रिसर्चेज भी ट्रैक करने वाले हैं पीडीएफ नोट्स में, जिसको हम यही कहेंगे कि लिमिटेड प्रसार रखिए, उसको एकदम बाजारू विषय बिना बना दीजिएगा, नहीं तो जानते हो क्या होता है, आपने लिखा बस ऊपर से टारगेट भी डालो, खटा करके उसकी एक नई मुहर बना करके लोग अपने नाम से बेचना शुरू कर देंगे। ऐसा हुआ है मेरे साथ, अब नाम नहीं लेना चाहता, कि 2010 के राउंड में जो हमने क्लास में डिस्कस किया है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे हम किस पुस्तक की तरफ कर रहे हैं, बस उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट नहीं करेंगे इस मुद्दे पे। क्लास की हूबहू चीजों को लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज को, सारे को तो नहीं, लेकिन बीच बीच में हमने देखा कि पूरा का पूरा नोट छपा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं से सेंध मारी हो गई। तो आप जानते हैं यहां ट्रिप्स के मामले कितने कमजोर हैं, बहुत अच्छे ढंग से जान रहे हैं, लेकिन यहां हमको ट्रिप्स का भी बहुत बड़ा मतलब नहीं है, यह भी मतलब नहीं है कि हम बहुत पैसे उससे ले लेने वाले थे और नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस मटेरियल जो है वो क्या हो कि वो नहीं होना चाहिए। तो कुछ हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के, कुछ बड़े अच्छे अच्छे इतिहासकारों के शोध प्रबंध के जो हैं, जो आपकी चीज़ें ज़रूरत हैं, वो भी पीडीएफ पे दे दिया जाएगा, स्टार बना दिया जाएगा, बता भी दिया जाएगा कि उस टॉपिक्स को कम से कम आप लोग वायरल नहीं करिएगा। फिर इससे ज़्यादा आपको पुस्तक खरीदने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्लियर है? तो आप कहेंगे, कह रहे सर आपने तो कुछ बताया ही नहीं कि और भी कुछ पढ़ना है। जी हाँ, एकदम नहीं पढ़ना है आपको, इसी क्लास के प्रोग्राम पे, इसी प्रोग्राम पे आपको रहना है, देखना है, और मैं आपको चार क्लासेस दूंगा, किसी भी टॉपिक पे दे सकता हूँ, उन चार क्लासेस को 20 से दूंगा। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, नहीं तो होगा ना, मालूम हुआ कि हमने पहले टॉपिक से पढ़ाना शुरू किया तो आपको लगेगा कि सर ये तो पहला वाला आसान ही होता है, हम बीच के किसी टॉपिक पे दे देंगे जिससे आपका आपका कोई बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं है, उन टॉपिक को पढ़ के देखिएगा कि आपकी समझ डेवलप हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, और मुझे विश्वास है कि आप उन चार लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने अगर इतिहास विषय को चुना है और इस टीम को चुना है, एक बार फिर मैं टारगेट विद डालो की इस पूरी टीम को और इस प्रयास को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इससे जुड़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो ये एक मिशन होगा, एक बहुत अच्छा संदेश होगा, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों ने शिक्षा को एक तरह से उद्योग बना लिया है। खैर, मेरी टिप्पणी किसी के अगेंस्ट नहीं है, जब पूरे समाज में, जब पूरी सोसाइटी किसी का मूल्यांकन आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर कर रही है तो जाहिर सी बात है लोग उसी की तरफ जाएंगे, श्योर है। तो इस परिचर्चा को, फिलहाल इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ऑप्शनल का ये जो प्रोग्राम होगा, ये जो बैच होगा, आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, और बस ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता है, ऑनेस्ट रहिए, अपने प्रति रहिए, और अगर आप अपने प्रति ऑनेस्ट रहेंगे तो सफल सक्सेसफुल होंगे, और जब सक्सेसफुल होंगे तो आपको ही बहुत अच्छा लगेगा और हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो थैंक यू, इन बातों को गंभीरता से विचार करिए, धन्यवाद, और उन चार क्लासेस को जो हम आपको देने वाले हैं, पब्लिकली करने वाले हैं, उसको आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि आपकी समझ डेवलप हो पा रही है या नहीं। ओके, थैंक यू।